हेलो एवरीवन, टॉपिक टेस्ट के टेस्ट 5 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चंस जो हम लोग देखेंगे वो पाइप एंड सिस्टर्न पे बेस्ड होगा और बहुत ही अच्छे सवालों को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेशन को पूरे लास्ट तक देखो, चीज़ों को नए नए चीज़ों को ध्यान से समझो कि कैसे उसको हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, हम लोगों ने कहीं पर भी कोई मेहनत नहीं करना है, किसी भी सवाल में नॉर्मल सा सिर्फ कंसेप्ट समझना है और चलते चले जाना है। देखो क्या है पहला सवाल, जो लोग मेरे बारे में या पूरा डियर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। पहला सवाल हम लोगों का क्या है, पहला में देखो क्या बोल रहा है। पहला में बोल रहा है, थ्री पाइप ए बी सी आर कनेक्टेड टू अ टैंक। तीन पाइप ए बी सी है, एक टैंक को कनेक्टेड है। दीज पाइप कैन फिल द टैंक सेपरेटली इन 5 आवर, 10 आवर एंड 15 आवर रिस्पेक्टिवली। ये तीन पाइप जो हैं सेपरेटली 5 घंटे, 10 घंटे और 15 घंटे में काम करते हैं, यानी कि ए बी एंड सी का मान लेते हैं। ठीक है, ए 5 है हमारा, ये 10 है हमारा और ये 15 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी टोटल वर्क जो हो जाएगी वो टोटल वर्क हो जाएगी 30। इफिशियंसी हो जाएगी 6, 3 और यहाँ पे क्या 2। ठीक है, मुझे ये बताना ना पड़े, सब लोग मुझे लगता है इस चीज़ से अवगत होंगे कि टोटल वर्क बराबर में जो होता है वो होता है हमारा इफिशियंसी गुने में क्या टाइम। ठीक है, यही स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग क्या करें, फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करके चलेंगे। तो क्या बोल रहा है पहला सवाल में, व्हेन ऑल थ्री पाइप्स वेयर ओपन साइमल्टेनियसली इट वॉज ऑब्जर्व डैट ए एंड बी वेयर सप्लाइंग वाटर एट 3/4 ऑफ देयर नॉर्मल रेट फॉर द फर्स्ट आवर। पहले घंटे के लिए ए और बी जो है 3/4 के रफ्तार से चल रहे हैं। ठीक है, आफ्टर विच दे सप्लाइड वाटर एट नॉर्मल रेट, उसके बाद फिर वो लोग नॉर्मल हो गए। पाइप सी सप्लाइड वाटर एट 2/3 ऑफ द इट्स नॉर्मल रेट फॉर फर्स्ट 2 आवर। पहले 2 घंटे के लिए सी ने 2/3 की रफ्तार से अपना चला, मतलब ओरिजिनल रफ्तार की 2/3 से। ठीक है, आफ्टर विच इट सप्लाइड एट इट्स नॉर्मल रेट। तो हम लोग ना 2 घंटा का ए बी का भी निकाल लेते हैं और सी का भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग अभी काम कर रहे हैं इन 2 आवर, 2 घंटे में क्या क्या हुआ होगा। तो ए बी का कहना है कि ए बी पहले घंटे तक, 1 घंटे तक जो भरा होगा, 1 घंटे तक किस रफ्तार से भर रहा है ए और बी, ए और बी पहले घंटे में 3/4 के रफ्तार से भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 और 1 घंटे तक चला। फिर अगले घंटे क्या हुआ, ये लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, यानी कि 6/3, यानी कि ए और बी का जो कार्यक्रम था हम लोगों का वो कुछ इस तरीके से था, 6/3 9 हो गया हमारा। और यहाँ पे भी 6/3 9 है, 9 जब कॉमन ले लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 9। 3/4 यहाँ पे 1 ऐड कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, 7/4। डायरेक्ट गुना करके लिख दो 7/4, यानी कि ये तुम्हारा हो गया 63/4। ठीक है, अब ध्यान दो कि सी का जो कार्यक्रम होगा 2 घंटे में, सी का क्या बोल रहा है कि वो अपने नॉर्मल रफ्तार से, ये नॉर्मल रफ्तार उसका रफ्तार पहले क्या है 2, उसका 2/3 से वो भर रहा है। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो उसके स्पीड में, और कितने देर तक भरा, 2 घंटे तक भरा, यानी कि क्या हो जाएगा उसका 8/3। ठीक है, क्या हो गया, 8/3। अब तुम ध्यान दो कि तुमसे पूछा क्या, सबसे पहले इन हाउ मच टाइम टैंक वुड बी फिल्ड, कितने देर में टैंक भर जाएगा, यानी पूरा पूरी टैंक कितना देर में भर जाएगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो 2 घंटे में इतना काम हो गया, काम हुआ कितना हमारा। अब यहाँ से ना देखो एक चीज, इस सब सवाल में क्या होता है ना कि जब भी तुम्हें ऑप्शन इस तरीके से दिखे 1.05, 2.05, 3.05, 4.05, यानी सब 0.05, सब 0.05, 0.05 मिल रहा है, तो तुम यहाँ से अप्रॉक्स में चल सकते हो। क्या इससे फायदा होगा, क्योंकि तुम्हें एक डिफिनेट वैल्यू पता चल जाएगी। देखो सबसे पहले तुमने यहाँ 2 घंटे तक तो काम कर लिया, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, 1 आवर 2 आवर का ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, बचा क्या 3 और 4 आवर। तो अब तुम देखो यहाँ पे तुमने काम कितना किया, जब तुम 60 को डिवाइड करोगे 4 से तो वो तुम्हें देगा 15, और 3/4 है यानी कि पॉइंट में क्या हो जाएगा 75। ठीक है, 3 से तुम 6 को डिवाइड करोगे तो वो देगा तुम्हें 2। ठीक है, और फिर तुम्हारा बचा कितना 2, यानी कि पॉइंट में लिख दो तुम इसे 6, 6, इसको 16 बोल दो और इसको 2 ही बोल दो, यानी कि 16 और 2 जब तुम बोल रहे हो, यानी कि तुमने अभी तक में कितना काम कर दिया, 18 यूनिट अप्रॉक्स, 18 से ज़्यादा ही है लेकिन हम बोल रखते हैं 18 काम हम लोगों ने कर दिया, यानी कि रिमेनिंग काम जो हम लोगों का बचा वो कितना बच रहा है, 30 - 18 यानी कि कितना, 12 काम। ठीक है, यानी कि 11 point something जिसको हम लोग बोल सकते हैं, चलो रहने दो 12 ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये 12 काम को क्या होगा, तीनों साथ में मिलकर कंटिन्यू, अपना कोई चेंजेस नहीं आया उसके स्पीड में, तो जो समय लगेगा उस 12 काम को करने में, उस 12 काम को करने में देखो समय कितना लगेगा, 6 + 3 + 2, 3 + 5 = 6 कितना, 11,
12 बाई में क्या हो गया तुम्हारा, 11 हो गया। देखो ये 12 जो था ये 11 पॉइंट समथिंग था, या 12 ही इसको ले रहे हो तुम, तो 11 से जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग तुम्हें देगा। ठीक है, क्या देगा, 1 पॉइंट समथिंग, हमें कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक है, अब 1 पॉइंट समथिंग डेफिनेटली कभी भी 2 तक नहीं पहुंचेगा, या कुछ भी हो जाएगा तो 1 पॉइंट में ही वो रहेगा। तुमने पहले 2 घंटे काम कर लिया और अभी 1 पॉइंट समथिंग आवर तुमने काम कर लिया, यानी तुमने काम कितना किया, 2 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग में ही होगा। तो यहाँ पे तुम देखो सबसे पहले 3 पॉइंट समथिंग कौन सा है, 3 पॉइंट समथिंग एक यही है सी नंबर, लेकिन अब तुम्हारा दिमाग में ये चल रहा हो कि ई नन ऑफ दिस क्यों नहीं हो सकता है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो जब तुम्हें ऑप्शन सारे इस तरीके से दिखें 0.5 0.5 0.5, समझ जाओ कि इसमें नन ऑफ दिस होने का कोई चांसेस नहीं है, वो इसी तरीके से सेट करके दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो आंसर है 3.05। इसे तुम अब डेसिमल में भी लेके चलोगे तो यही आएगा 3.05 आवर, और यही हमारा आंसर है 3.05। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल, देखो नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर, पाइप ए टैंक को 2 घंटे में भरता है, व्हाइल पाइप बी कैन एम्प्टी, पाइप बी जो है एम्प्टी करता है टैंक को कितने घंटे में, 6 घंटे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ए का लिख लिया 2 और यहाँ बी लिख लिया सी, ये हमारा भरने वाला है तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा हमारा, प्लस में, और ये खाली करने वाला यानी क्या हो जाएगा, माइनस में। टोटल काम यहाँ से जो निकल गया हमारा, वो टोटल काम कितना निकल गया, 6, यानी ए की इफिशियंसी हो गई हमारी 3, बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी हमारी, माइनस 1। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक कैन बी फिल्ड इन टाइम टी, जब दोनों ही टैंक को एक साथ खोला जाता है तो टैंक टाइम टी आवर में भर जाता है, यानी कि टी का वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं, हमको भरना है ये 6, दोनों को साथ में खोले 3 और माइनस 1 साथ में काम करेगा, 2 से ये कट जाएगा हमारा 6, कितना बार में, 3 बार में, यानी कि टी का मान निकल गया हमारा 3। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल में आगे, राम ओपेंड बोथ द पाइप्स एंड केम बैक टू चेक द टैंक आफ्टर टाइम टी। ठीक है, राम जो है दोनों पाइप को खोल दिया और वापस आया चेक करने पे, कब आया चेक करने, टी टाइम के बाद, यानी टी का मतलब क्या है हमारा, 3 आवर के बाद वो चेक करने के लिए आया, एंड फाउंड डैट ओनली 75% टैंक वाज फिल्ड, और क्या पाया कि 75% ही सिर्फ टैंक का भरा हुआ है, बिकॉज पाइप ए गॉट ब्लॉक्ड सम टाइम अगो, क्यों, क्योंकि कुछ देर पहले ए जो है ब्लॉक्ड हो गया था, फॉर हाउ लॉन्ग द पाइप ए हैड बिन ब्लॉक्ड, ए जो है कितना देर तक ब्लॉक था ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोला है कि जो वो 3 घंटे के बाद आया तो उस 3 घंटे में ए ने काम कितना देर तक किया, सबसे पहले ये निकालो। तो हमने बोल दिया ए ने जो काम किया वो कुछ एक्स आवर तक काम किया, और फिर हमारा 3 घंटे तक बी में तो कोई ब्लॉकेज नहीं था हमारा, तो बी जो काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, 1 की एफिशिएंसी 3, लेकिन नेगेटिव में है, यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव लगा दिया, और इस तरीके से काम जो हुआ वो हमारा कितना हुआ, 75%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/4, यानी 6 का 3/4 हमारा जो है वो क्या हुआ है, काम हुआ है। ठीक है, तुम यहां से देखो एक चीज़ कि इसमें तुम काट सकते हो कितने आसानी से, ये 3, ये 3 और इस 3 को तुम काट दो। ठीक है, यानी 6/4 तुम्हें देगा 1.5 और यहाँ से तुम्हें 1 मिल गया, यानी x की वैल्यू जो आ गई 2.5 आवर आ गई, यानी a जो खुला हुआ था वो हमारा कितने देर तक खुला हुआ था, 2.5 आवर तक खुला हुआ था। ठीक है, वो आया था 3 बजे चेक करने के लिए, मतलब सॉरी 3 घंटे के बाद चेक करने के लिए, जिसमें से कि 2.5 घंटे तक ए चला रहा, यानी कि ए जो बंद हुआ वो कितने देर तक बंद हुआ उस 3 घंटे में, वो 3 घंटे में बंद हुआ 0.5 आवर, यानी जिसको आप लोग 30 मिनट बोल सकते हो, या फिर तुम इसे दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हो कि 30 मिनट तक उस 3 घंटे में वो ब्लॉक्ड रहा, तो ब्लॉक्ड रहा अंतिम के 30 मिनट ही ना, यानी कि वो जो ब्लॉक हुआ होगा वो क्या ब्लॉक हुआ होगा, 30 मिनट पहले ब्लॉक हुआ, और यही हमसे सवाल में पूछा है, फॉर हाउ लॉन्ग द पाइप ए हैड बीन ब्लॉक्ड, तो ए जो ब्लॉक्ड हुआ था वो 30 मिनट तक ब्लॉक हुआ था, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 मिनट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। बड़ा ही बेहतरीन सवाल, बस इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, एकदम बड़ा ही आसान शब्दों में इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है, ए सर्टेन टैंक हैज 2 पाइप्स पी एंड क्यू डेट कैन नी ईदर फिल और एम्प्टी, पी और क्यू हमारा 2 पाइप है जो या तो भर सकता है या क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, एट द सेम रेस्पेक्टिव रेट। ठीक है, उसी रेस्पेक्टिव रेट पे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब क्या बोल रहा है कि भरना है खाली करना है, मतलब उसका इफिशियंसी जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तब एक चीज़ समझो तुम यहाँ से कि अगर इस लाइन से आगे यूज़ भी करना है, अभी मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि अभी तुरंत मैंने इस स्टेटमेंट को पढ़ा,
अगर हमारा पी प्लस क्यू मिल के फिल करेगा ठीक है एक्स आवर में, तो पी और क्यू मिल के अगर एम्प्टी करना रहेगा तो उसको कितना समय लगेगा, एक्स आवर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इफिशियंसी जिस रफ्तार से दोनों भर रहा है उसी रफ्तार से दोनों खाली कर रहा है ना, तो जब खाली भरने में एक्स घंटा लग रहा है तो खाली करने में भी एक्स घंटा ही लगेगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ पाइप पी ओनली इज यूज टू फिल द टैंक फॉर द टाइम दैट बोथ पाइप्स टेक टू फिल द टैंक, ठीक है अगर पाइप पी को सिर्फ भरने के लिए लिया जाए फॉर द टाइम दैट बोथ पाइप टेक टू फिल द टैंक उतने ही समय में जितना समय में कि दोनों मिल के भरते हैं, ठीक है देन 4/7 ऑफ द टैंक इज फुल, कितना टैंक फुल हो जाता है 4/7 फुल हो जाता है, ठीक है तो 4/7 फुल होने का मतलब क्या है हमारा, यहाँ ध्यान से देखना तो कि पी ने जो काम किया है 4/7 का अगर हम लोग थोड़ा फ्रैक्शनल से समझें तो 7 हमारा टोटल काम है, तो पी ने जो काम किया वो 4 काम किया, तो बाकी बचे 3 काम किसने किए, वो किए होंगे क्यू ने, यानी कि उसकी इफिशियंसी तो मेरी डायरेक्ट यहीं से निकल गई, पी बाई क्यू कितना है 4/3, पी प्लस क्यू मिल के भरता है एक्स आवर में तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू का इफिशियंसी यानी कि 7 गुने में एक्स यानी कि 7x हो जाएगा टोटल वर्क। अब आगे देखो क्या है, इफ नाउ पाइप पी इज यूज टू फिल द टैंक, अब अभी पाइप पी को भरने के लिए यूज किया जाए और क्यू को क्या खाली, मतलब पी से भरना है क्यू से क्या कराना है खाली कराना है, ठीक है यूज टू क्यू इज यूज टू एम्प्टी इट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज फिल्ड, कितना परसेंट टैंक फिल होगा इन 3/4 ऑफ द टाइम दैट इट टेक्स टू दैट इट टेक्स फॉर द टैंक टू गेट एम्प्टीड बाई बोथ पाइप, दोनों ही पाइप के द्वारा जब एम्प्टी करने में जितना समय लगेगा उसके 3/4 में कितना भाग हमारा भराएगा, कितना परसेंट हमारा भराएगा। तो देखो खाली करने में अभी मैंने तुम्हें समझा था खाली करने में हमारा क्या है एक्स आवर है तो एक्स का बोल रहा है 3/4 आवर में कितना भराएगा, तो देखो तो यहाँ पे ये टाइम निकल गया, पी हमारा भर रहा है क्यू खाली कर रहा है, यानी कि जो काम होगा वर्क डन जो होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा, कितना निकल गया हमारा यहाँ पे देखो 4/3 गया 1 यानी कि तुमने जो काम किया 3/4 आवर में वो कुछ इतना यूनिट काम किया, तुम्हें यही निकालने के लिए बोला है परसेंटेज ऑफ वर्क डन, ठीक है तो परसेंटेज ऑफ वर्क डन कैसे निकालोगे 3x/4/ क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 7x गुने में क्या कर दो 100 कर दो, एक्स एक्स यहीं से खत्म हो गया हमारा, यानी कि यहाँ से तुम चाहो तो और भी काट दो 4 से काट दो इसे 25 दिया कितना हो जाएगा 75/7, साफ साफ दिख रहा है तुम्हें 10 point something जाएगा, ठीक है यानी कि 10.7 इसी तरीके से आगे जाएगा और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10.7%, ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है 4 नंबर में, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई 3 pipes ABC के द्वारा 3 pipe के द्वारा टैंक भरा जाता है, ए एंड बी आर इनलेट पाइप, ए और बी जो है वो क्या है इनलेट पाइप है, वाइल सी इज द आउटलेट पाइप, सी जो है क्या है खाली करने वाला है। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है, पाइप ए एंड सी, ए और सी टुगेदर जो है 22.5 minutes में भर रहा है, बी एंड सी टुगेदर जो भर रहा है वो भर रहा है 90 minutes में, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग टोटल काम ले लेते हैं 90 तो 22.5 से हमारा कितने बार में 4 बार में और यहाँ से 1 बार में, सी का पहले ही बोल दिया सी क्या है एम्प्टी करने वाला यानी निगेटिव में उसकी इफिशियंसी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ पाइप ए इज ओपेंड फॉर 5 minutes आफ्टर दैट पाइप बी इज ओपेंड, उसके बाद पाइप बी को ओपन कर दिया जाता है 8 मिनट के लिए, ठीक है फिर किसको ओपन किया जा रहा है सी को ओपन किया जा रहा है, देन पाइप सी इज ओपेंड विच कैन एम्प्टी द फील्ड, जो ए और बी के द्वारा भराया गया था द अमाउंट फील्ड बाई ए एंड बी इन द गिवन टाइम, ए और बी के द्वारा जो भराया गया था उसी को सी खाली करता है कितना देर में 27 मिनट, ठीक है फाइंड दैट इन हाउ मच टाइम बी अलोन कैन फिल द टैंक, एज्यूम दैट इनिशियली टैंक वॉज एम्प्टी, हमें क्या एज्यूम करना है कि टैंक इनिशियली जो था वो एम्प्टी था तो हमें बी का निकालना है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बाद सी को 27 मिनट के लिए खोल जाता है, यानी कि अगला काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है सी कर रहा है 27 मिनट के लिए। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे तुम्हें ना ए की इफिशियंसी मालूम है ना बी की ना सी की, तो तुम एक चीज कर सकते हो यहाँ से कि ए सी को तुम पहले 5 मिनट तक करा दो, ठीक है फिर यहाँ पे तुम क्या करा दो बी और सी को तुम 8 मिनट तक करा दो।
अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, बी ने 8 मिनट तक कर लिया, ए ने 5 मिनट तक कर लिया, सी यहाँ 5 मिनट कर रहा है, यहाँ पे 8 मिनट कर रहा है, 8 5 हो गया हमारा 13 मिनट। सी ने जब 13 मिनट काम कर लिया तो नेक्स्ट हम लोग का काम कौन करेगा? सी करेगा। कितना? 27 मिनट करता है, जिसमें 13 मिनट उसने इन लोगों के साथ कर लिया, यानी बचे उसके कितने? 14 मिनट। और इस तरीके से हमारा जो टैंक है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, क्योंकि सी जो है क्या कर रहा है? खाली कर रहा है जितना ए और बी भरा था उसको। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ए सी का एफिशिएंसी 4 है, 5 × 4 क्या हो जाएगा? 20। बी सी का एफिशिएंसी 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा? 8 प्लस में 14 सी बराबर में 0, माइनस में 28 बराबर में क्या हो जाएगा? 14 सी, 14 से काट दो, 2 बार में। सी का एफिशिएंसी क्या निकल गया? माइनस में 2, क्योंकि सी क्या है हमारा? खाली करने वाला है। बी प्लस सी तुम्हारा दिए हुए है 1, जब तुम यहाँ पे माइनस 2 बैठाओगे तो बी कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। ए प्लस सी तुम्हारा 4 है, तो यहाँ पे तुम्हारा a प्लस सी 4 है, तो इसको जब तुम माइनस 2 बैठाओगे तो a कितना निकल जाएगा तुम्हारा? 6। यानी कि इफिशियंसी निकल गई, लेकिन a की इफिशियंसी की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि क्या मुझे निकालना है? b का समय निकालना है, और समय बराबर में क्या होता है? वर्क बाय में उसकी इफिशियंसी। काट दो इसे 3 से 30 बार में, यानी कि क्या हो गया? 30 मिनट। कितनी आसानी से ये सवाल बन गया जब तुमने यहाँ पेयर बनाना शुरू किया। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 30 मिनट। बस ध्यान रखो इस चीज़ का कि अगर कॉम्बाइंड रूप से हमें दिए हुए है और एक इक्वेशन में तीनों आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है? जस्ट उसका पेयरिंग बना देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है? नेक्स्ट में हम लोगों का क्या बोल रहा है कि 3 इनलेट पाइप पी क्यू एंड आर। ठीक है, 3 इनलेट पाइप है पी क्यू आर, ये भी देखो कितना अच्छा सवाल है। पी क्यू आर है, टाइम टेकन बाई क्यू एंड आर टूगेदर इज 20% मोर देन द टाइम टेकन बाई ऑल द पाइप टूगेदर टू फिल द टाइम। Q और R को जो समय लग रहा है वो पी क्यू आर से 20% अधिक लग रहा है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो अगर 5 है तो वो 1 इंक्रीज करके क्या हो जाएगा? 6। ये क्या था? उन लोगों का टाइम था। ठीक है, अगर इफिशियंसी का बात करें इसी का, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा हमारा? 5/5 में क्या? 6। साफ शब्दों में तुम्हें दिख रहा है कि पी क्यू आर अगर हम लोग 6 लेते हैं तो क्यू आर 5 है, तो पी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 1, यानी कि P यहाँ से 1 हो जाएगा। लेकिन अभी ध्यान रखना है आगे क्या बोल रहा है। पहले ध्यान रखो, रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ Q टू डैट ऑफ P, Q एंड R टुगेदर। ठीक है, तुम्हें रेशियो जो दिए हुए हैं इफिशियंसी का वो क्या दिए हुए है? Q टू डैट ऑफ P, Q एंड R टुगेदर इज 1/2। ठीक है, ये इफिशियंसी तुम्हें दिए हुए, तो पी क्यू आर का तो ये 6 दिए हुए, तो इसको बैलेंस कर दो ना 3 से गुना करके। ठीक है, पूरा में, यानी कि क्या हो जाएगा? 3/5 में क्या? 6। पी क्यू आर 6 हो गया। पी क्यू आर जब 6 ही हम लोग ले रहे हैं कि पी क्यू आर की इफिशियंसी 6 है, और यहाँ से अभी मैंने बताया था कि ये क्या हो जाता है? पी 1 हो जाएगा। क्यू अभी यहाँ से निकल जाएगा, क्यू यहाँ पे देखो कितना है? 3 है, क्यू निकल गया 3। 1 बैठा दो, 3 बैठा दो, आर रख दो, बराबर में 6। R की मान कितनी निकल जाएगी? 2 निकल जाएगी। R की इफिशियंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब सवाल में क्या पूछा है? पाइप P एंड Q टुगेदर टेक 5 आवर मोर देन। पाइप P और Q को जो समय लग रहा है वो क्या लग रहा है? 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। किससे 5 घंटे अधिक लग रहे हैं? तीनों से, बाई ऑल द पाइप टुगेदर टू फिल द सेम टैंक, P प्लस Q प्लस R से। तो ध्यान दो, जब यहाँ से P प्लस Q प्लस R से ही ना लग रहा है 5 घंटे अधिक। P प्लस Q प्लस R x मान लो, इससे x प्लस 5 अधिक लग रहा है। ये तो हो गया तुम्हारा समय। तुम्हें क्या निकालने के लिए बोल रहा है? इन हाउ मच टाइम ऑल द पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक, कितने देर में पाइप भर सकती है टैंक को, यानी तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है। टाइम जब तुम्हें मालूम हो गया तो इधर से तुम जब इफिशियंसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई में क्या? एक्स प्लस में 5। और इफिशियंसी मालूम है पी क्यू की, इफिशियंसी देखो क्या है? 1 और 3 है हमारी, 1 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। पी और क्यू आर की इफिशियंसी कितनी है हमारी? 6 है, यहाँ पे 6 लिख दो, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 10। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 10। हमें x की वैल्यू जानी थी, यानी कि इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 10 डेज, ऑप्शन नंबर बी एंड योर आंसर। ठीक है, कितना आसान था ये सवाल भी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है? देखो नेक्स्ट में क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट में बोल रखा है कि ए टैंक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 5000 लीटर, यानी कि टोटल वर्क तुम्हें स्टार्टिंग में दे दिया कितना है? 5000 लीटर। इज फिटेड विथ 2 फिलिंग पाइप ए एंड बी हैविंग अ फ्लो रेट ऑफ 450 लीटर पर आवर, 250 लीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। यानी कि फ्लो रेट करने का मतलब क्या? उसकी इफिशियंसी दी हुई है, ए की दी हुई है, बी की दी हुई है। एंड एन एम्प्टी पाइप हैविंग अ फ्लो रेट ऑफ कितना? 200 लीटर पर आवर। एक एम्प्टी पाइप है जिसका फ्लो रेट क्या है हमारा?
200 लीटर पर आवर है, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दो कि ए है, बी है, सी है, ये खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम नहीं मालूम, लेकिन हमें टोटल वर्क यहाँ से मालूम है, कितना मालूम है, 5000 टोटल वर्क हो गया। इसका एफिशिएंसी मालूम है 450, इसका एफिशिएंसी मालूम है 250, इसका एफिशिएंसी मालूम है 200, ठीक है। अब देखो, जब भी तुम्हें इस तरीके से दिखे इतना बड़ा बड़ा नंबर, तो उस कंडीशन में तुम एक चीज़ कर सकते हो कि अगर ये चारों चीज़ किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं तो काट दो। देखो, 50 से काटोगे 9 बार में, 50 से काटो 5 बार में, 50 से ये कट जाएगा 4 बार में, 50 से ये भी कट जाएगा 100 बार में, यानी 100 काम पे हमारा एफिशिएंसी 9 है, 5 है और 4 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इनिशियली ऑल थ्री पाइप्स वेयर ओपेंड टुगेदर, स्टार्टिंग में तीनों पाइप को साथ में खोल जाता है। आफ्टर 3 आवर पाइप बी स्टार्टेड वर्किंग ओनली इट्स हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। तीनों को जब साथ में खोले तो पहले 3 घंटा तक तो काम किया होगा ना, तो 9 + 5 - 4 कितना देर तक काम किया, 3 घंटे तक। अब बोल रहा है 3 घंटे के बाद बी जो है अपनी इफिशियंसी आधा कर देता है, तो बी को अब आधा कर देते हैं यहाँ पे हम लोग आगे। तो ए तो वही काम कर रहा है, बी आधा हो गया 2.5 - 4 कितना देर तक किया, एंड 5 आवर पाइप ए, एंड आफ्टर 5 आवर 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद कब, स्टार्टिंग से 5 घंटे के बाद, तो 3 घंटे हो गए, यानी कि अगले 2 घंटे तक ये इस तरीके से होगा। ए ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग एट हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी, ए भी जो है अपनी कैपेसिटी का क्या कर देता है, आधा हो जाता है। तो ए अपनी कैपेसिटी का जब आधा होगा तो क्या होगा, 4.5, और बी तो आधा चल ही रहा है 2.5, और माइनस में क्या, 4, ठीक है। और इस तरीके से ये भी एक्स देर तक काम करेगा, और टोटल काम हमारा कितना कंप्लीट हो जाएगा, 100 कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 9 + 5 हमारा कितना हो जाएगा, 14 में हमारा 4 चला जाएगा, यानी कि 10 × 3 हमारा क्या, 30। फिर यहाँ पे देखो, इसको जब तुम ऐड करोगे तो ये तुम्हें देगा 7.5, 7.5 × 2 हमारा क्या हो जाएगा, 15, और प्लस में वहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू हमारा क्या, 100, यानी 3x इज इक्वल टू 100 में तुम यहाँ पे 45 घटा दोगे तो ये तुम्हें क्या देगा, 55, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 55/3, जिसको अगर तुम फ्रैक्शन में देखोगे तो 18 whole 1/3 hour होता है। तुमसे पूछा है इन दिस वे इन विच आवर द टैंक विल बी फुल्ली फिल्ड, कितना घंटा में, ठीक है, हिंदी में किम्मा घंटा में, ठीक है, या एट विच आवर द टैंक विल बी फिल्ड। तो यहाँ पे तुम्हारा चला 18 whole 1/3 hour, तो अगर तुम यहाँ पे बोलोगे तो ये 19th hour में भरेगा, लेकिन तुम्हें पूछा है टैंक पूरा कितना देर में भरा, तो स्टार्टिंग में तुमने 3 और 2 5 घंटे काम किए, और यहाँ पे तुम्हारा 18 whole 1/3 hour काम हुआ, यानी कि क्या हो गया, 23 whole 1/3 hour, यानी 23 से अधिक 24 से कम, यानी 24th hour में जो है तुम्हारा वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24th hour में तुम्हारा टोटल काम जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर। एक इनलेट पाइप है जो टैंक को कितने देर में भरती है, 8 घंटे में भरती है, ठीक है। तो इनलेट पाइप भर रही है, आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड बाई दैट इनलेट पाइप, 2 more similar इनलेट पाइप आर ओपन, 2 और उसी तरीके के इनलेट पाइप खोल दिए जाते हैं। वॉट टोटल टाइम वॉज टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, कितना समय लगेगा पूरा टैंक को भरने में। अगर आसान भाषा में समझो तो जो इनलेट पाइप था उसका इफिशियंसी हम लोग मान लिए 1, ठीक है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा गुने में 1, यानी कि 8 यूनिट हमारा टोटल काम हो जाएगा। क्या बोला, आफ्टर द हाफ टैंक इज फिल्ड, तो देखो पूरा भरने में 8 घंटे लगते थे, तो आधा भरने में उसे कितना लगेंगे, 4 घंटे, और आधा भरने का मतलब क्या है कि हमारा 4 यूनिट जो है वो भरा गया, डन हो गया ये, ठीक है। तो बाकी बचा 4 यूनिट वो हमारा रिमेनिंग है अभी भी, और वो रिमेनिंग हम लोगों का कौन करेगा कि 2 more similar इनलेट पाइप आर ओपेंड, वैसा ही 2 और खुल गया। तो वैसा ही 2 और खुलने का मतलब क्या है कि 1 पहले से था 2 और आ गया, तो 1 पहले से है 2 और आ गया, यानी कि अब 3 काम करेंगे, 3 नल मिलके ये 4 यूनिट को भरेंगे, कितने देर में भर सकते हैं, 4/3 hour में, तो 4 + क्या हो जाएगा हमारा, 4/3 hour हो जाएगा। जब तुम ऐड करोगे यहाँ पे देखो ये होगा 1 whole 1/3 hour, 4 hour पहले से है तुम्हारा, यानी कि ये क्या दे देगा तुम्हें, 5 whole 1/3 hour। 1/3 hour का मतलब क्या है तुम्हारा, 20 मिनट, ठीक है, गुना कर दो 60 से, 1/3 × 60 क्या देगा, 20 मिनट देगा, यानी कि यही तुम्हारा देगा आंसर, 5 hour 20 minute, और यही हमारा आंसर है 5 hour 20 minute ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाई ए एंड सी टू फिल द टैंक टुगेदर, ए और सी
टैंक को कितने देर में साथ में भर सकते हैं इसका तुम्हें समय निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिए हुए देखो। ए बी जो है किसी टैंक को 12 मिनट में भरते हैं, विद द हेल्प ऑफ सी द फिल द टैंक इन 15 मिनट। ठीक है, सी के मदद से। तो ए बी और सी जब काम करते हैं तो क्या होता है, 15 मिनट में भर जाते हैं। पाइप ए एंड पाइप डी टुगेदर, अब ए और डी टुगेदर जब काम करता है तो 10 मिनट में होता है। ठीक है, और बी और डी टुगेदर काम करता है तो 8 मिनट में होता है। तो टोटल काम यहाँ से निकाल लो, सबसे पहले टोटल काम जब तुम निकालोगे यहाँ से तो टोटल काम 120 हो जाएगा। 12 से 10 बार में, यहाँ 8 बार में, यहाँ पे 12 बार में और यहाँ पे 15 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ए बी का एफिशिएंसी 10 है, ए बी सी का 8 है, यानी कि सी जब तुम निकालोगे तो सी क्या होगा, 8 - 10, जो कि क्या दे देगा तुम्हें, -2 में। माइनस सिंपली क्या बता रहा है कि सी जो है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो आगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सी निकल गया, तुम्हें निकालना था ए और सी का समय। तो ए और सी का समय तुम कैसे निकालोगे, जब तक तुम्हें उनकी इफिशियंसी नहीं मालूम होगी। इफिशियंसी कैसे निकाल सकते, देखो ए बी का एक इक्वेशन यहाँ है, इन दोनों के मदद से ए माइनस बी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बी प्लस डी में ए माइनस डी को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 15 - 12, डी डी कैंसिल हो गया, बी माइनस ए निकल जाएगा हमारा 3, और b प्लस ए हमारा दिए हुआ है 10। तो हमें a पे ही आना है ना, b निकालने से क्या मतलब है, a कैसे निकलेगा, दोनों को घटा के क्या, 2 से भाग। तो दोनों को जब घटा देंगे तो दोनों को घटाने के बाद क्या मिलेगा, 7, और 2 से डिवाइड दे दी, यानी a की जो वैल्यू निकल जाएगी 7/2 में निकल गई। a की इफिशियंसी निकल गई, c की इफिशियंसी निकल गई। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है कि a और c मिलके इसी काम को कितना देर में करेंगे, तो टाइम निकालना है, किसका टाइम निकालना है, a और c का। तो काम देखो कितना है, 120, ए की इफिशियंसी 7/2 और सी की इफिशियंसी जो है वो है -2, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, 7 में 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3, 120/3 और गुने में क्या हो जाएगा, 2, 3 से काट दो इसे 40 बार में, 40 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, 80, यानी कि 80 मिनट हमारा जो है वो है आंसर, ऑप्शन नंबर बी 80 मिनट। ठीक है, तो इस सवाल में तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि अगर घटाने के बाद सी का, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि सी का एफिशिएंसी जो है माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तो वो क्या है, खाली करने वाला है। ये नहीं कि यहाँ पे 10 देखा या 8 देखा तो उससे घटा दिया, सी का एफिशिएंसी 2 ले लिया, ठीक है, आंसर गलत आ जाएगा वो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कुछ इस तरीके से ये सवाल बनेगा। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है, 2 inlet pipes X and Y कैन सेपरेटली फिल द टैंक इन 10 minutes and 5 minutes। X जो है वो 10 मिनट में भरता है, Y जो है वो 5 मिनट में भरता है। ठीक है, एंड एन आउटलेट पाइप Z कैन कैरी ऑफ 12 liters per minute, 12 लीटर पर मिनट में वो खाली करता है। तो उसको अभी रहने दो भी, ठीक है, यहाँ से तुम बोल दो कि Z जो है वो पूरा पूरी X आवर में, X मिनट में भरता होगा। ध्यान रखना यूनिट का, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है और ये भी क्या है, मिनट है। ठीक है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपेंड व्हेन द टैंक इज फुल्ड, जब टैंक फुल है तीनों पाइप को खोल दिया जाता है, इट इज emptied इन 1 आवर, वो कितना देर में खाली होता है, 1 घंटे में खाली होता है। क्लियर है तुम्हारा कि जब भरा हुआ टैंक को तीनों मिल के तुम खोल रहे हो तो वो खाली हो जा रहा है, मतलब क्या, इन दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी जो है खाली करने वाले की एफिशिएंसी से क्या है, कम है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी अब यहाँ से हम लोग को निकाल लो, टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो, टोटल वर्क मान लो 50x, 10 से कट जाएगा कितना बार में, 5x बार में, 5 से कट जाएगा तुम्हारा 10x बार में, एक्स यहाँ तुम्हें दे देगा 50। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल में कि 1 घंटे में जो है टंकी पूरी खाली होती है। अभी मैंने क्या बताया कि जेड की जो एफिशिएंसी है उन दोनों के कंबाइंड एफिशिएंसी से क्या है, तुम्हारा ज़्यादा है, तब जाके ना वो खाली हो जा रहा है, भरी हुई टंकी खाली हो जा रही है। तो इफिशियंसी दोनों का, तीनों का मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 - 10x और 5x क्या हो जाएगा, 15x, और ये लोग मिलके 1 घंटे तक काम करें। अब तुम ध्यान दो कि सारा चीज़ तुम्हारा मिनट में है, ये आवर में है, तो इसको सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मिनट में चेंज करना है। तो ये जब 60 मिनट तक काम करेगा तो इस तरीके से हमारा कितना काम हो जाएगा, 50x काम हो जाएगा। अब 50 × 60 कर दो, 15 × 60 जब करोगे तो 900 हो जाएगा और इधर आके ऐड हो जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा, 950x। ठीक है, 00 यहाँ से काट दो, 5 से कितना बार में, 19 बार में, x का मान जो आ गया वो क्या आ गया, 60/19 मिनट में। ठीक है, अब तुमसे देखो क्या बोल रहा है सवाल में कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी क्या है।
जेड जो है पूरे टैंक को अकेले 60/19 मिनट में खाली कर दे रहा है और उसकी इफिशेंसी 12 लीटर पर मिनट है, यानी कि उसकी कैपेसिटी बोलो या वॉल्यूम बोलो, उसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी हमारी, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, इज जस्ट सिंपली टोटल वर्क। ठीक है, क्या है पूरा सीधा सीधी, वो टोटल वर्क है, वॉल्यूम बोलो कैपेसिटी बोलो सारा चीज़ें क्या है आपस में बराबर हैं। तो टोटल वर्क हमारा कैसे निकलता है, टाइम गुने में क्या उसकी एक्चुअल इफिशियंसी, गुना कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। इसी को जब तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व कर सकते हो इसे तुम, सॉल्व करने के बाद यही तुम्हें देगा 37.89 लीटर, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 37.89 लीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट और आखिरी सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए टैंक इज फिटेड विथ पाइप ए एंड बी, व्हेन बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर इट कैन फिल द टैंक इन 15 आवर। टैंक कितना देर में भरा जाता है, 15 घंटे में। पाइप बी टेक्स 16 आवर मोर देन पाइप ए व्हेन वर्किंग अलोन। अगर ए एक्स आवर ले रहा है तो बी क्या लेगा, एक्स प्लस 16 आवर। यहाँ से तुम टोटल वर्क थोड़ा निकाल लोगे तो ये x इंटू में क्या हो जाएगा, x प्लस में 16। देखो इस सवाल में ना कोई उपाय नहीं है, यहाँ पे ऐसे तुम्हें क्वाड्रेटिक जाना है। तो यहाँ पे तुम्हारा इफिशियंसी हो गया x प्लस में 16, यहाँ पे हो गया इफिशियंसी x। जब ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, यानी कि x इंटू में x प्लस में 16 बटे में साथ में काम करने का मतलब क्या है, x प्लस में x प्लस 16, तो टोटल कितना घंटा लगा, 15 घंटा। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में 16x बराबर में 15 गुने में 2x प्लस में 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 16x, 15 दुना 30x इधर आके घट जाएगा, फिर 15 गुना 16 करेंगे तो ये हमें देगा 240 इधर आके, ये भी घट जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 240 बराबर में 0। अब क्वाड्रेटिक तो हमें सॉल्व करने आता ही है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं माइनस में 24 और यहाँ पे प्लस में 10। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 24 में 10 चला जाएगा, माइनस में 14, 24 गुना 10 240। ठीक है, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में तो होगी नहीं, क्योंकि साफ साफ बोल दिया कि भरने वाला है। ठीक है, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 24 आवर, और यही हमारा आंसर है कि x जो है 24 आवर यहाँ से आ गया। लेकिन आंसर यही नहीं है, क्या बोल रहा है सवाल में, हाउ मच पाइप सी विल टेक टू फिल द टैंक, सी उस टैंक को कितना देर में भरेगा वर्किंग अलोन अकेले काम करते हुए, इफ इट्स इफिशियंसी इज 25% लेस देन द इफिशियंसी ऑफ पाइप ए। ए के इफिशियंसी से 25% कम है, तो सी का सबसे पहले इफिशियंसी निकालो। सी का इफिशियंसी देखो क्या हो, ए का इफिशियंसी क्या, 24 प्लस में 16, तो 24 प्लस में 16 कर दो। ठीक है, और 25% कम का मतलब क्या, 75%, यानी क्या 3/4, 24 16 तुम जोड़ोगे तो क्या देगा, 40 देगा, 4 से काट दो इसे 10 बार में, यानी कि इसकी इफिशियंसी कितनी निकल गई, 30। अब सी इसी काम को कितना देर में करेगा, तो सी का जो तुम समय निकालोगे वो कुछ इस तरीके से निकालोगे, x का वैल्यू यहाँ पे टोटल काम हमारा कितना है यहाँ पे 24, और 24 प्लस में कितना हमारा 16। ठीक है, 24 प्लस में क्या है हमारा 16 है, तो यहाँ पे हमारा टोटल काम जो हो गया 24 गुने में 24 प्लस 16, अभी हम लोगों ने लिखा था क्या 40। ठीक है, बाय में c की एफिशिएंसी क्या है 30, बस लिख दो, 3 से 0 खत्म, 3 से काट दो इसे 8 बार में, 8 4 क्या हो जाएगा हमारा 32, और यही हमारा आंसर है सवाल का 32 आवर, क्योंकि सी का समय पूछा था 32 आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगा होगा, और खास करके आज का जो पाइप एंड सिस्टर्न का सीरीज था, काफ़ी चुने चुने सवाल थे इसमें, और जिनका मैंने वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है आपको। तो इस चीज़ को समझो कि अभी और थोड़ा मेहनत करना है, और चीज़ों को थोड़ा अच्छे से इसे, अगर कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा तो उसको फिर से एक बार वीडियो को देखो, तो चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक दबाना ना भूलना। ठीक है, लाइक ज़रूर दबाना, देखो तुम्हारे इस लाइक एंड शेयर से ही हमें प्रोत्साहन मिलेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तब ना हमें भी लगेगा कि हाँ लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और लोग देख रहे हैं। तो चीज़ों को शेयर करो, लाइक करो और फैलाओ वीडियो को। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।